महाराणा प्रताप का जीवन और ऐतिहासिक जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारत के इतिहास के महान योद्धा और शासकों की गाथाएं आपके सामने लाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वीरता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की मूर्ति महान राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में। तो चलिए उनके अद्भुत जीवन के सफर को हम करीबी से जानते हैं। महाराणा प्रताप का अगर आप जन्म की बात करते हैं, तो उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ में हुआ था। वे मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह जी और माता जयवंताबाई के पुत्र थे। महाराणा प्रताप को उनकी वीरता और स्वतंत्रता के लिए आज भी पूरे भारत में याद किया जाता है। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से भरा हुआ था। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की अगर अपन बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में हुआ, जब वे मेवाड़ के शासक बने। उस समय मेवाड़ मुगलों के निशाने पर था, खासकर अकबर के, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यही कारण है कि महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। युद्ध की बात करें दोस्तों, जो महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है, 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की विशाल मुगल सेना का सामना किया। उनकी वीरता, घातक रणनीतियां और चेतक नामक अपने प्रिय घोड़े की निष्ठा ने इस युद्ध को अद्वितीय बना दिया। यद्यपि यह युद्ध बिना निर्णायक परिणाम के समाप्त हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप का वीरता ने उन्हें अमर किया। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की प्रेम कहानी, चेतक घोड़े के बारे में अगर अपन बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। चेतक ने महाराणा प्रताप को युद्ध के दौरान बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। कहा जाता है कि चेतक अपने घायल अवस्था में होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के बाद वीरगति को प्राप्त हुआ। आज भी चेतक की निष्ठा को सम्मान के साथ याद किया जाता है। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में और जंगलों में अपना जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और उन्होंने अपने राज को पुनः संगठित किया। धीरे धीरे जो भी छोटे मोटे राज्यों को एक साथ करके वापस अपने राज को पुनः संगठित किया। धीरे धीरे मेवाड़ के कई किलों को वापस जीत लिया था उन्होंने। उनकी लड़े केवल एक भूपा के लिए नहीं, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए थी। महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता कोई मोल नहीं होता दोस्तों, हमें अपनी अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ना चाहिए। महाराणा प्रताप का निधन की अपन बात करते दोस्तों, तो महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को हुआ था, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच में जीवित है। उनके नाम से स्कूल, सड़कों और संस्थानों के साथ साथ भारतीय वीरता की कहानियों में अभी हमेशा उन्हें याद किया जाता है। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, बाकी अगर अपन बात करें तो महाराणा प्रताप का कई बड़ा इतिहास है, पर वीडियो लॉन्ग होने के कारण आप भी फिर देखने में बोर हो जाओ, तो आपको इसी तरह से आपको और भी कोई टुकड़ों में या भाग में आपको उनकी अलग अलग घटनाएं अपने चैनल पे और भी वीडियो बना के बताएंगे आपको दोस्तों। ये जो इम्पोर्टेंट नॉर्मली जानकारी थी, जो मेन जानकारी थी आपको, इसमें मैंने बताई है। आप दोस्तों अगर यह कहानी आपको पसंद है, वो उनकी वीरता और देशभक्ति कहानियों में आज भी हमें प्रेरणा देती है, तो इसे आप लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूले। हम जल्द फिर अपन नए उनके ऐतिहासिक वीडियो के साथ जो डालेंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय मेवाड़।